गाइस टूर्नामेंट का मैच नंबर 2 होने वाला है हैप्पी गेमिंग वर्सेस एमडी नाजिम के बीच में। टोटल बेस्ट ऑफ 5 के 5 मैचेस होंगे। इनमें से जो पहले 3 मैचेस जीतेगा वही होगा इस गेम का विनर। वैसे गाइस ये जो सेकंड मैच की वीडियो है ये कल अपलोड होने वाली थी, लेकिन कल अपलोड ना होने का रीज़न भी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा। फर्स्ट मैच के अंदर जो रन है वो एमडी नाजिम भाई को मिली है, बट भाई जो है वो ब्रेक नहीं कर पाते, जिसके बाद स्ट्राइकर आ जाता है हैप्पी गेमिंग के पास। तो हैप्पी भाई के पास पूरा मौका रहेगा पहले ही मैच विन करने का। इनके पास काफ़ी सारे पक्स के ऑप्शन हैं। अभी टॉप राइट में खेलकर अपने बहुत सारे पक्स ओपन किए, उसके बाद खेल रहे हैं बॉटम राइट में, काफ़ी बढ़िया शॉट खेली भाई ने। टॉप लेफ्ट में खेलेंगे तो भाई ये वाला मैच तो ईजी है, बिल्कुल गलती की गुंजाइश नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि भाई गलती करना बनता भी नहीं है इनका यार। सारे पक्स ओपन है, टॉप लेफ्ट में खेल लिया, टॉप राइट वाली ओपन है, रेड को टॉप लेफ्ट में ईजिली खेल सकते हैं, तीनों पक्ष ओपन है, मतलब पहला ही मैच इजीली विन कर सकते हैं और ऑलमोस्ट विन कर चुके हैं। तो यहाँ पर से खेलेंगे टॉप राइट में, और लास्ट वाली जो पक रहेगी उसको खेलेंगे बॉटम राइट में, और इसी के साथ हैप्पी गेमिंग पहला मैच विन कर चुके हैं। एमडी नाजिम भाई थोड़े से अनलक्की रहे, ब्रेक तो मिला था लेकिन ब्रेक थोड़ा सा डिफिकल्ट था। उसके बाद गाइस सेकंड मैच यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। सेकंड मैच के अंदर जो रन है वो हैप्पी भाई को मिलेगी। इनको ब्रेक भी काफ़ी इजी वाला मिला है, मतलब यार किस्मत इनका थोड़ा सा साथ दे रही है कि नहीं दे रही मैं नहीं जानता, क्योंकि ब्रेक करने के बाद भी इनके कोई पक्स ओपन नहीं हुए थे। और स्ट्राइकर फाइनली आ चुका है एमडी नाजिम के पास। बॉटम राइट में खेलेंगे भाई, और यहाँ पर अपने काफ़ी सारे पक्स ओपन कर लिए। टॉप लेफ्ट में खेलकर बीच में से पक्स निकालेंगे, काफ़ी बढ़िया शॉट थी। टॉप राइट में खेल रहे हैं, अगेन से पक्स निकालने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन भाई किस्मत थोड़ी सी ख़राब है भाई। मैं बोल रहा हूँ ना, नाजिम भाई की किस्मत थोड़ी सी यहाँ पर ख़राब है, इनका फॉल हो गया यहाँ पर। और हैप्पी भाई के पास अगेन से पूरा मौका रहेगा ये वाले मैच को भी विन करने का टॉप राइट में। अरे ये लकी शॉट लग गई गाइस, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर भाई खेल रहे हैं टॉप राइट के लिए, ठीक 4 पक्स रह चुके हैं टॉप लेफ्ट में, यानी कि ये वाला मैच भी हैप्पी भाई इजीली विन कर सकते हैं, गलती की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं, और सिर्फ 2 पक्स हैं भाई, ईजी मैच है। लेकिन गाइज यहाँ पर हैप्पी भाई का जो इंटरनेट है वो चला जाता है, जिसका फ़ायदा होता है एमडी नाजिम को, और एमडी नाजिम हैप्पी भाई के इंटरनेट की वजह से ये दूसरा वाला मैच विन कर जाते हैं। तो चले गाइज यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो 1-1 बराबर हो चुके हैं। तो अब तक तो दोनों भाई थोड़े से अनलक्की रहे, लेकिन देखते हैं भाई तीसरे मैच के अंदर ये क्या कर पाते हैं। भाई अभी तो सिर्फ 2 मैचेस हुए हैं, 3 मैचेस रहते हैं। तीसरे मैच के अंदर जो रन है वो एमडी नाजिम को मिलती है, और ब्रेक भी काफ़ी ज़बरदस्त वाला मिलता है। भाई ने ब्रेक कर लिया, उसके बाद टॉप लेफ्ट में खेल रहे हैं, और उसके बाद आई थिंक टॉप राइट में खेलेंगे जी, और ये वाले पक को आई थिंक हटाने का ट्राई करेंगे, और हटा दिया भाई ने। और फिर उसके बाद खेलेंगे टॉप राइट में, और बीच वाले पक्स को निकालने का ट्राई करेंगे, लेकिन ये शॉट थोड़ी सी ख़राब थी, एंगल गलत था, और भाई ने शॉट मिस कर दी। हैप्पी भाई खेल रहे हैं सबसे पहले टॉप लेफ्ट में, ये वाले जो 2 पक्स थे इनको निकालने का ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं निकाल पाए। अभी टॉप लेफ्ट में अगेन से खेला है भाई ने, और अगेन से टॉप लेफ्ट के लिए खेल रहे हैं। ये 2 पक्स को निकालने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों पक्स निकलने का नाम नहीं ले रहे, और अब निकल जाएंगे भाई वो दोनों पक्स गाइज, ओपन हो चुके हैं। भाई ये वाला मैच भी ईजी है भाई, हैप्पी भाई का ही मैच है ये भी। उसके बाद यहाँ पर से खेल रहे हैं टॉप राइट के लिए, स्लो शॉट खेल रहे हैं, और उसके बाद कनेक्शन शॉट खेल सकते हैं टॉप लेफ्ट के लिए। भाई ईजी मैच, हाँ बीच वाली जो पक है ये वाली, ये थोड़ी सी चिपक गई थी बोर्ड से, लेकिन भाई ने बढ़िया शॉट खेली परफेक्ट, और इसको खेला है बॉटम राइट में, और उसके बाद यहाँ पर भाई ने खेला है टॉप लेफ्ट के लिए। और इसी के साथ गाइज यहाँ पर जो तीसरा मैच है वो हैप्पी गेमिंग विन कर चुके हैं। टोटल 3 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 2 मैचेस हैप्पी गेमिंग और 1 मैच एमडी नाजिम ने विन किया है। तो हैप्पी भाई यहाँ पर 2-1 से लीड में चल रहे हैं। और गाइज यहाँ पर जो चौथा मैच है वो भी स्टार्ट हो चुका है। एमडी नाजिम नाजिम भाई को यहाँ पर अगर गेम में बने रहना है और बेस्ट ऑफ 5 में लेकर जाना है गेम को, तो कम से कम ये वाला मैच ज़रूर जीतना होगा। और गाइज अगर आप लोग भी इस टूर्नामेंट को देखते हुए फ्री लेजेंडरी स्ट्राइकर्स और पक्स के रिवॉर्ड्स जीतना चाहते हैं, तो भाई आप भी इस टूर्नामेंट के गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टूर्नामेंट के गिव अवे के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको कुछ सिंपल से रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला रूल होगा गाइज, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप नए आए हैं। बाकी अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो एक बार चेक कर लेना आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट किया हुआ है या नहीं। उसके बाद गाइज इस टूर्नामेंट की जितनी भी वीडियोस आएंगी सबके नीचे आपने एक कमेंट करना है। कमेंट में आपने अपनी यूजर आईडी लिखनी है, टूर्नामेंट के बारे में या वीडियो के बारे में कुछ भी आप लिख सकते हैं। साथ में गाइज आप वेबशॉप में से किसी भी एक आइटम का नाम लिखें जिसकी जो प्राइस है वो $2 या उससे कम हो, ठीक है ना। मैंने कल वाली वीडियो में देखा बहुत सारे लोग इन्फेर्नो स्ट्राइकर और बड़े बड़े स्ट्राइकर्स के नाम लिख रहे थे जिनकी प्राइस $5 होती है। तो भाई अगर आप विनर बनते भी हैं ना तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना, आपने ये बात याद रखनी है। और साथ में गाइज लास्ट में एक ही कमेंट के अंदर आपने लिख देना है डन ये सारे रूल्स को फॉलो करने के बाद। तो यहाँ पर गाइज ये चौथा मैच है, और चौथा मैच जो है यहाँ पर एमडी नाजिम भाई यहाँ पर ये वाला मैच विन कर जाएंगे इजीली, और जो पॉइंट्स है वो 2-2 बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पर गाइज
विन कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से गाइस पॉइंट्स दो दो बराबर हो चुके हैं, और जो गेम है फाइनली जा चुका है बेस्ट ऑफ फाइव में। कल वाला मैच भी बेस्ट ऑफ फाइव में चला गया था, और आज वाला मैच भी गाइस बेस्ट ऑफ फाइव में जा चुका है। और इसी के साथ गाइस फाइनल मैच जो भी विन करेगा वो गाइस क्वालिफाई करेगा इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल्स में। तो चले देखते हैं यहाँ पर कौन विन कर पाता है। हैप्पी भाई के सामने यार ये काफ़ी बढ़िया शॉट खेली है भाई ने, और उसके बाद यहाँ पर खेल रहे हैं बॉटम राइट में और काफ़ी सारे पक्स ओपन कर दिए भाई। अब तक तो काफ़ी बढ़िया फिनिश कर रहे थे हैप्पी भाई, अगर ये वाला मैच भी फिनिश करते हैं तो भाई फिर इनका गेम ऑन है भाई। उसके बाद यहाँ पर खेल रहे हैं टॉप राइट में, काफ़ी बढ़िया शॉट। रेड की पोजिशन थोड़ी सी ख़राब, उसको ये आई थिंक थोड़ी सी गलत शॉट थी, रेड को नहीं निकाल पाएंगे, या तो कनेक्शन खेलना पड़ेगा, डायरेक्ट रेड को नहीं खेल सकते भाई, और यहाँ पर फॉल ही कर दिया भाई। और भाई स्ट्राइकर आ चुका है फाइनली वापस से एमडी नाजिम भाई के पास, इनके पास पूरा मौका रहेगा भाई फाइनल में नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करने का और ये मैच जीतने का भाई। यहाँ पर गाइज इनको चाहिए कि भाई कोई भी शॉट मिस ना करें, सारे पक्स इनके ईजी हैं। टॉप लेफ्ट में खेलेंगे तो ऊपर वाले दोनों पक्स भी निकल जाएंगे, हाँ, लेकिन लेफ्ट वाली जो पक है ना गाइज वो फंसी हुए भाई, उसको निकालना कैसे निकालना होगा वो देखना पड़ेगा भाई। रेड के साथ आई थिंक उसको निकाल सकते हैं, बट भाई जो है वो कोशिश नहीं कर रहे हैं पता नहीं क्यों। टॉप राइट के लिए भी ये वाली पक को इजीली खेल सकते हैं, बट रेड को खेल रहे हैं, लेट्स सी गाइस। और टूर्नामेंट का वैसे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा भाई स्ट्राइकर हिल रहा है तो जाहिर सी बात है शॉट भाई मिस कर दी भाई ने। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है भाई टूर्नामेंट का, जब मैं भी मैच खेल रहा होता हूँ हाथ भी कांप रहे होते हैं भाई। तो एमडी नाजिम भाई ने यहाँ पर गलती की, एक इजी सी शॉट मिस कर दी, और स्ट्राइकर फाइनली आ चुका है हैप्पी भाई के पास। तो उनकी जो टॉप वाली पाक है ना गाइज वो थोड़ी सी फंसी हुई है भाई, सॉरी जो हाँ राइट वाली पाक है और निकाल ली भाई ने, लेकिन भाई निकालते निकालते फॉल कर बैठे, ठीक है। तो एक बार फिर से भाई क्या किस्मत है यार, लेफ्ट वाली पाक को आप इजीली निकाल सकते हैं, आप लेफ्ट वाली साइड से स्ट्राइकर को खेलें, लेकिन ये शॉट गलत थे भाई, ये शॉट गलत खेली है आपने, लेफ्ट वाली पाक फिर भी आपकी फंसी रह जाएगी। तो गाइज यहाँ पर यार ये क्या कर रहे हैं ये दोनों यार, ये गलत शॉट है, नहीं जाएगी ये भाई, वो चुकी हुई है बोर्ड से बिल्कुल। गाइज ये दोनों क्या कर रहे हैं भाई फाइनल में आकर यार, मतलब यार इजी मैच है, एक बंदा थोड़ा सा माइंड यूज करके खेलो इजी आप ये वाला मैच जीत सकते हैं भाई। मुझे लगता है ये मैच गया, ये मैच जीतने वाले हैं हैप्पी भाई। यहाँ पर रेड को सिंपल खेलें, उसके बाद टॉप नहीं भाई, ये गलत शॉट। अब ऊपर राइट वाली पक को खेलकर आप लेफ्ट वाली पक को नहीं निकाल सकते भाई, उसको अपनी जगह पर रहने देते तभी, अभी आपको इनडायरेक्ट खेलना पड़ेगा जो कि थोड़ा सा रिस्की, लेकिन भाई ने परफेक्ट शॉट खेली भाई। और यहाँ पर हैप्पी भाई जो है 3-2 के साथ ये मैच जीत चुके हैं। एमडी नाजिम भाई थोड़ा सा अनलकी रहे, और हैप्पी भाई पहुंच चुके हैं इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल्स में। क्वार्टर फाइनल मैच इनका होगा यश भाई के साथ या फिर शाहिद गेमिंग के साथ, लेट्स सी, वो तो आगे चलकर पता चलेगा। और गाइज एक इंपॉर्टेंट नोटिस भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कोई भी प्लेयर हमारे टूर्नामेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उसको बैन कर दिया जाता है हमारे टूर्नामेंट्स में से। पहले भी बहुत सारे लोगों को बैन किया जा चुका है, और आज के मैच से एमडी नाजिम को जो है हमारे टूर्नामेंट से बैन किया जाता है, बिकॉज भाई ने जो है ना 2 दिन के बाद वीडियो सेंड किए, जो कि गलत बात है, और वीडियो लेट भी इसी की वजह से हुई है गाइज, वरना वीडियो कल ही अपलोड हो जाती। बाकी वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो भाई लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।